यस, वो टाइम आ गया, डॉक्टर के पास ले जाने का टाइम आ गया। लाल परी 500 से ज्यादा चल गई है, तकरीबन 550 किलोमीटर हो गया। तो जानना चाहते होगे भाई कैसा रहा? भाई 500 किलोमीटर जबरदस्त। हाय हाय टू एवरीवन, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? यस, वो टाइम आ गया, आ गया बिल्कुल 4-5 दिनों में ही आ गया। 28th of March आई गॉट द डिलीवरी एंड टुडे वी आर सिटिंग ऑन 4th of April। डॉक्टर के पास ले जाने का टाइम आ गया लाल परी को। या टुडे इट्स हर फर्स्ट सर्विसिंग। येपी, 500 से ज्यादा चल गई है, तकरीबन 550 किलोमीटर हो गया। एंड इट्स गुड, अब तक का सफर बहुत एक्सीलेंट रहा। आप सब जानना चाहते होगे भाई कैसा रहा? भाई 500 किलोमीटर जबरदस्त। तकरीबन मैंने 2,2100 रुपये का तेल अभी तक डलवाया था बाइक में, और 550 किलोमीटर हो चुकी है। टैंक एकदम फुल है, कल रात फिर फिलअप कराया, 1,100 कुछ रुपये का टैंक फिलअप हुआ था। तो तकरीबन अभी मुझे एवरेज जो मिली है वो 22-23 के अराउंड मिली है, और ठीक है, नई नई बाइक है, थोड़ा बहुत हो जाता है, सो वो भी चेक करना ज़रूरी था। सो इट्स ग्रेट, मतलब मनूवरिंग गुड, राइड एक्सपीरियंस इज गुड। मेरा पिलियन राइडर बहुत खुश है, बहुत ज़बरदस्त खुश है, इतनी अमेजिंग सीट है। जो भी पीछे बैठता है ना बाइक पे, वो कहता है यार क्या कंफर्टेबल बाइक है यार, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, लगता ही नहीं है कि बाइक पे बैठे हैं। और ऑफकोर्स चलाने वाले के लिए, सो इट्स अमेजिंग। सो बाइक अभी तक रिपोर्ट एक्सीलेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, न गियर में, न क्लच में, न ब्रेकिंग में। आई डोंट थिंक सो दैट देर इज एनी प्रॉब्लम इन द बाइक। बाइक इज एक्सीलेंट। सो इफ यू आर ट्राइंग टू बाय दिस बाइक, यू मस्ट गो फॉर इट। इट्स 650 मीटियोर रॉयल एनफील्ड। अमेजिंग जॉब डन बाय सिद्धार्थ लार, अमेजिंग जॉब। मतलब एज एन राइडर मैं तो कहूंगा इट्स अ ब्लेसिंग टू अस। सो चलो चलते हैं आज लाल परी को लेके उसकी फर्स्ट सर्विस पे, और देखते हैं क्या होता है। सी यू एट द सर्विस स्टेशन। बाय द वे, आई एम गोइंग एक बहुत ही खास जगह है जहाँ पे मैं इसकी सर्विसिंग कराऊंगा, और मिलाता हूँ आपको सारी टीम से वहाँ पे। डॉक्टर साहब से मिलाता हूँ, सर्विस मैनेजर से मिलाता हूँ, सबसे मिलाता हूँ। चलिए लेट्स गो। सो चलें लाल परी को लेके उसकी पहली सर्विसिंग पर। आर यू रेडी लाल परी? या शी इज रेडी, लेट्स गो। लेट्स मीट द गाय बिहाइंड श्री राधे मोबाइल ऑटोमोबाइल्स हेयर इन ओखला फेज टू। लेट्स, गुड आफ्टरनून, मोहित अलवा दिस साइड। दैट्स मोहित, हाय मोहित, हाउ आर यू? ऑल गुड सर, हाउ आर यू? सो द फर्स्ट सर्विस ऑफ 650 मीटियोर, एंड मुझे उम्मीद है कि मस्त मजा आने वाला है फर्स्ट सर्विसिंग बिल्कुल में। सर, अभी आपको लेके चल रहे सो बेसिकली होगा क्या फर्स्ट सर्विस में? तो सर्विस समय में आपका ऑयल चेंज होगा बेसिकली पहले, ओके, उसके साथ ऑयल फिल्टर चेंज होगा आपका, ओके, चेन लूब होगी आपकी, ओके, और एक गैस्केट डलती है हेड की, हेड के पे उसके वो चेंज होगी, वो चेंज विच इज मैंडेटरी इन द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सर्विस एज पर आरई रूल्स। ओके, सो गाइज मोहित इज देयर टू हेल्प यू आउट फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस रिगार्डिंग सर्विसिंग, रिगार्डिंग सेल्स ऑफ द बाइक। He is there, Sultan is there. Sultan is always there with me. So Sultan is there and Mohit is there. Sure sir, most welcome anytime. Let's go for the servicing of the bike, sir. Sure sir. क्या नाम है जतेन? Your contact number? जतेन। 8383886 0। नहीं नहीं फोटो मेरा सर। पूरा नंबर बताऊंगा तो उनके पास। तो जब आप आ रहे हो तो आप अपनी बाइक की पूरी डिटेल्स यहाँ पे नोट कराओगे। और अब एक बहुत अच्छी चीज़ होगी रॉयल एनफील्ड की तरफ से, दैट एवरी थिंग इज ऑनलाइन। सो यू हैव अ ऐप, यू जस्ट फिल योर डिटेल्स इन इन दैट ऐप, ऑटोमेटिकली उठा लेगी आपकी फर्स्ट सर्विस है, आपकी सेकेंड सर्विस है, आपकी थर्ड सर्विस है, विच इज वंस यू बाय द बाइक यू कैन ऑटोमेटिकली हैव दैट ऐप, बिकॉज उसके अंदर आपको अपने चेसिस नंबर डालने पड़ते हैं। सो अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड है तो आप ऑलरेडी उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, चेसिस नंबर डालेंगे, सो एवरी थिंग इज ऑन द गो, विच इज अ ब्यूटिफुल थिंग। सर 7 डेज में बाइक बहुत अच्छी चलाती है आपने?
यार आई एम अराउंड देयर और अभी तो मेरे हाथ में खुरक हो रही है, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ कहीं अभी। 562 वो भी बड़ी मुश्किल से रोक के अपने आप को लिए, अभी तो कहीं निकले ही नहीं है। हो गया आपका 2011 उसके बाद आपको ऑयल फिल्टर आता है 490 रुपीज़ का, ऑयल फिल्टर 490 बिल्कुल। उसके बाद जो गैसकेट्स आएंगी अप्रॉक्स वो आती हैं 4 एंड मान के चलिए 1000 रुपीज़ अप्रॉक्स एंड चेक लुब्रिकेशन दैट विल कॉस्ट योर 202 मतलब 202 रुपीज़ 202 रुपीज़ बिल्कुल। वॉशिंग एंड पॉलिशिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस, कॉम्प्लीमेंट्री वॉशिंग मिल रही है और पॉलिशिंग मिल रही है, क्या बात है। आज की डेट में कुछ फ्री मिलता है? नहीं मिलता। क्या मिलता है? श्री राधे ऑटोमोबाइल, याद रखना नाम। लाल परी चली अपनी सर्विसिंग के लिए और ये है ज्ञानचंद जी। हाँ ज्ञानचंद है, सीनियर टेक्नीशियन है यहाँ पे रॉयल एनफील्ड में और लाल परी अब इनके हवाले है। बाइक लग चुकी है और वाओ ब्यूटीफुल। सबसे पहले क्या करने वाले हो आप? इंजन ऑयल ड्रेन करेंगे हम, जो कंपनी की तरफ से डल के आया था इंजन ऑयल। तो सबसे पहले इंजन ऑयल निकलेगा, उसका नीचे यहाँ पे सिस्टम लगा रखा है, तो बेसिकली एक इंजन गार्ड लगा रखा है मैंने, वो रिमूव हो रहा है, सम गार्ड भी कहते हैं इसको, एंड देन ही विल रीच टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से इंजन ऑयल पुराना वाला निकाला जाएगा। तीन लीटर के करीब इसमें इंजन ऑयल आता है। वाओ इट लुक्स वेरी मच क्लीन, लेकिन फर्स्ट इंजन ऑयल चेंज कराना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि बाइक के वेयर एंड टेयर होते हैं, थोड़े थोड़े स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके इंजन ऑयल में आते हैं। नाउ यू कैन सी इट, स्मॉल पार्टिकल्स आर देयर, तो इसलिए इंजन ऑयल चेंज करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके तो इसका एयर फिल्टर है यहाँ पे, ये एयर फिल्टर है। सो इसे कहते हैं समझदारी, स्क्रैच ना आए आपकी बाइक में, वरना जनरली लोग ऐसे ही ढक्कन खोल देते हैं। ज्ञान, एयर फिल्टर हम चेंज नहीं करते हैं पहली सर्विस में, ओके okay. ये सेकंड सर्विस में चेंज होगा, ये सब कंडीशन पे भी होता है, कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। ओके 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 ओके, सो एयर फिल्टर डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग के ऊपर। अगर आपने कहीं रेगिस्तान में या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे बहुत डस्ट है वहाँ पे बाइक चलाई है तो उसको आपको जल्दी भी चेंज करना पड़ सकता है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो काफ़ी लंबा चलता है गंदा नहीं हो तो। सो इट इज गेटिंग फिट बैक, सो एयर फिल्टर इज डन। सो माय एक्सेसरीज आर आल्सो हियर, इंजन गार्ड एंड हैंडल बार क्लैंप, ये ऑयल फिल्टर है, ओके जेन्युइन एक्सेसरीज फ्रॉम रॉयल एनफील्ड ओनली। तो ये ऑयल फिल्टर ज्ञान चेंज करने जा रहे हैं, दिस इज इट, ओके। सो ये लग गया ऑयल फिल्टर, होने जा रहा है ऑयल टॉप अप। तो हम कितना ऑयल डालेंगे ज्ञान? 3 लीटर 100 ग्राम 3 लीटर 100 ग्राम पूरा इसकी कैपेसिटी है 3100 ये 2 लीटर है, अभी 1 लीटर 100 ग्राम और डलेगा, ओके ये रिकमेंडेड इंजन ऑयल है जो रॉयल एनफील्ड इनको बना के बेचता है ड्रम्स में। सो आप ये देख रहे हैं सामने, देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे इंजन ऑयल आपका बताती है ये जगह, और अभी इस पे पूरा इंजन ऑयल आया नहीं है, तो जैसे ही इंजन ऑयल पूरा टॉपअप होगा यहाँ पे आपको इंजन ऑयल दिखाई देने लगेगा। सो नाउ ज्ञान विल फिल अनदर 1 लीटर इंजन ऑयल इनटू इट और हम देखेंगे कि वो इंजन ऑयल
ये शीशे पे देखा अब आने लगा है धीरे 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 धीरे। तो जैसे ही शीशे में दिख रहा है आपको इंजन ऑयल, तो आपकी गाड़ी में पूरा इंजन ऑयल है। और अगर वो इंजन ऑयल आपके शीशे में नहीं दिखाई दे रहा है तो आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम हो चुका है। लेकिन इंजन ऑयल नापने का एक तरीका है कि गाड़ी अगर आप चला के लेके आए हो तो उसके कम से कम 20 से 25 मिनट बाद आप इसमें चेक करें कि आपका इंजन ऑयल पूरा आ रहा है या नहीं। सो ऑयल इज टॉप अप, इट्स डन। अब टैपेट टाइट किए जाएंगे और पैकिंग चेंज की जाएगी। अच्छा खासा टैंक है इसका, 15 लीटर का टैंक है तो बड़ा तो हो गई। ये आपके सीट के नीचे की जगह जहाँ पे कुछ फ्यूज वगैरह लगे हुए हैं। तो टैंक हटने के बाद आपका ये फ्रेम है बाइक का। तो ज्ञान, ये गैस्केट चेंज करते क्यों हैं हम? सर ये गैस्केट चेंज इसलिए करते हैं जो हमारे वाल होते हैं, वाल की कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। अच्छा, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है वालों को। अच्छा, तो उसके साथ ही हम गैस्केट भी चेंज कर देते हैं क्योंकि वो कवर खुलता है। तो ओके, ज्ञान जी ने ये निकाला कवर और ये रही वो गैस्केट जो चेंज होगी। देख रहे हो ना ये कैसे निकलती है? तो ये एक बार निकली तो ये ख़राब हो जाती है। ये उसके साथ एक ये भी था, तो दिस इज आउट। सो नाउ यू सी दिस आर ऑल टैपेट्स एंड ये आपका रहा प्लग, जो बाइक का प्लग है इस हियर। ओ बाप रे, दिस इज हाउ यू ओपन इट। सो प्लग्स खोले जा रहे हैं, प्लग खोल के उनका गैप चेक किया जाएगा। वैसे तो स्टार्टिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लग से पता लग जाता है कि आपकी बाइक क्या एवरेज दे रही है, किस तरह से चली है, कितनी हैंडलिंग अच्छी हुई है या नहीं हुई है। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब ज्ञान से पूछते हैं क्या लग रहा है प्लग को देख के। एक अच्छी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस अच्छी है। इट्स वाइट लिटिल बिट ब्राउनिश, काला नहीं है। काले का मतलब है कि बाइक में गड़बड़ है, आपने बाइक की जान निकाल दी है। सो ज्ञान ये क्या कर रहे हैं हम? सर गाड़ी की टाइमिंग मिला है, टाइमिंग मिला रहे, वॉल सेक्शन के लिए टाइमिंग मिलानी, टाइमिंग बनानी पड़ेगी। सो यहाँ इसलिए खोला गया कि यहाँ से जब खोलते हैं आप देखिएगा ये इंजन यहाँ पे घूमना शुरू हो जाएगा। ये टाइमिंग है, टाइमिंग पॉइंट है क्योंकि परफेक्ट बैठा हुआ है सब। अभी स्केल्स हैं, इनसे गैप चेक किया जाएगा। मेरे सामने ही निकाला गया और अब सारे डॉक्टर्स का गैप प्रॉपर है कि नहीं है। ज्ञान कितना होना चाहिए इसका एग्जैक्टली? इंग्लैंड 0.8 होना चाहिए। ओके, 0.8 एग्जॉस्ट 0.18 होना चाहिए। ग्रेट, दैट्स अ वेरी वेरी ग्रेट नॉलेज। सो अब आपको समझ में है ये ज्ञान भैया कर क्या रहे थे। ये इनलेट है, वो एग्जॉस्ट है, तो दोनों की सेटिंग्स बराबर की जा रही है। Now can you look the frame? Look at the frame. Look at this frame. This is so amazing, so beautiful. Or I mean quality wise amazing. बहुत improvement किया है Royal Enfield ने quality wise. हर चीज में quality नजर आ रही है। आप सोच रहे होंगे ज्ञान जी ये क्या कर रहे हैं, वो जो पुरानी पैकिंग थी ना उसके रेसिड्यूज बच गए हैं इसके ऊपर, उसको रिमूव किया जा रहा है, तभी दूसरी पैकिंग लगाने का फायदा होगा। सो पैकिंग लगने का टाइम आ गया है। हर चीज जो रॉयल एनफील्ड लगा रहे हैं वो ऐसे ही नहीं लगा रहा है,
वन मोर बाइक इज हियर फॉर द सर्विसिंग और आप हो या नहीं हो द बाइक ओनर इज नॉट हियर. उसने अपनी बाइक घर से पिक करवाने के लिए बोला था और सर्विस सेंटर वाले उसके घर से लेके आए बाइक. आप हो या ना हो आपकी बाइक की सर्विसिंग बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा आपके होने पे होगी. सो रेस्ट अश्योर्ड. सो गाइज जब आप रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे आते हैं आपको एक सर्विस मैनेजर मिलता है, एक आपका डेडिकेटेड जो बाइक के बारे में आपको सब बताते हैं वो सब मिलते हैं. लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी बाइक में कुछ आपको लग रहा है कि आपके मन से नहीं हुआ सो देन दे हैव अ सर्विस मैनेजर आउट हियर जिनसे मैं अब आपको मिलाने जा रहा हूँ. इज अ ब्यूटिफुल गाय और लेट्स मीट हिम, लेट्स सी हिम, मिलते हैं उनसे. तो अब हम हाय मौर्या सर, हाय हाउ आर यू? हाय सर. सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. ही इज एम के मौर्या, ही इज द सर्विस मैनेजर आउट हियर. जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि अगर बाइक का ओनर कोई सेटिस्फाई नहीं है या उसको कोई तकलीफ होती है तो देन कहानी आपके पास पहुंचती है. सो थोड़ा सा अपने रोल के बारे में हमें बताइए. सर हमारा रोल ये होता है कि मान लीजिए कोई भी कस्टमर डिससेटिस्फाइड है किसी भी तरीके से, वो सर्विस से रिलेटेड है या कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड है या किसी अदर सर्विस से भी है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको रिजॉल्व करें. उसमें मेन रोल होता है कि अगर कोई हमारी कंपनी सपोर्टेड होता है तो हम लोग एक कंपनी को एक छोटा सा अपना कंसर्न रेज करते हैं और सपोर्ट मांगते हैं कंपनी से कि हम कस्टमर को हेल्प कर सकें कि हम आगे कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई रखेंगे. तो ऐसा कभी हुआ है कि जैसे अब सुपर बाइक्स बनने लगी हैं, जैसे अपने 650 में टियोर आ गई, इंजन तो ऑलरेडी सेम है, 650 इंटरसेप्टर में भी सेम ही इंजन था, वैसे कोई कभी किसी को कोई मेजर कंप्लेंट आई किसी इंजन वाइज अगर कोई कंप्लेंट आई हो जो आपसे रिजॉल्व नहीं हुई हो तो कंपनी ने रिजॉल्व करके दी हो, एनीथिंग लाइक दिस अब तक कुछ ऐसा? देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अगर मे बी हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है तो हमारी टेक्निकल टीम है जो आरई एचओ में बैठती है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली एक नॉलेज हेल्प लाइन से हमारा उनसे मदद लेते हैं कई बार अगर कुछ हमें को टेक्निकली सपोर्ट चाहिए. सो गाइस वी हैव ब्यूटीफुल टीम आउट हियर, मैंने आपको सबसे मिला दिया है और ही इज अ वेरी हेल्पफुल मैन. आपको किसी भी तरह की तकलीफ हो सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एंड इट विल बी टेकन केयर. थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू सर. तो गाइज ये हैं कमलेश जी यहाँ के स्टोर मैनेजर और कमलेश जी सारे प्रोडक्ट्स आपको देते हैं जो भी आपको चाहिए होता है. कमलेश जी. जी सर. क्या कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूवर्स के लिए? सर मैं यही कहना चाहूँगा सर यहाँ पे बेस्ट सर्विस होती है और सारे पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, बेसिकली वारंटी भी अच्छी हम लोग इधर देते हैं, मतलब कुछ भी अगर प्रोडक्ट क्वालिटी होता है तो हम लोग जो होता है वो ठीक ठाक दिखते हैं. कमलेश जी बहुत प्यारे हैं और बहुत ही अच्छे हैं, फटाफट सारे पार्ट अवेलेबल करा देते हैं. सो श्री राधे गोविंदा ऑटोमोबाइल्स आप आइए और अपनी बाइक की सर्विसिंग कराइए. थैंक यू. यकीन मानो दोस्तों ज्ञान ने ना पूरा दिल लगा के काम किया है बाइक के ऊपर, जिसे देख के ना मुझे तो बहुत मजा आ गया. नाउ गाइज दिस स्कैनर विल कम इन टू द बाइक और आपकी सर्विस लाइट जो आती है वो इस स्कैनर के थ्रू ही जाएगी. ये कभी चीज़ें हम कार में देखा करते थे, कारों में होती थी, अब इट्स अमेजिंग टू सी इन अ बाइक. वेल ऑल द सुपर बाइक्स हैव दिस टेक्नोलॉजी और रॉयल एनफील्ड ने अपनी हर बाइक में ये टेक्नोलॉजी डाल दी है. दिस इज गोइंग टू कनेक्ट विद द स्कैनर. अब ये लग चुका है. और ये ऑन हुआ स्कैनर और आपका सारा डेटा रॉयल एनफील्ड के पास पहुंच जाएगा. No problem in the bike. Live data. ये सारा लाइव डेटा आपका यहाँ पे हो गया और इसके अंदर आपका सब कुछ बताएगा भी. इंजन स्पीड, Thank you.
आपके आरपीएम आ रहे हैं इंजन के, व्हीकल स्पीड, प्रेशर, एवरीथिंग इज देयर नाउ एंड दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी. बैटरी वोल्टेज तक पता लग रही है आपकी. सो ऑल द डायग्नोसिस आर देयर एंड योर बाइक इज अप टू द मार्क. थैंक यू ज्ञान. सो बाइक इज रेडी एंड ज्ञान इज गोइंग फॉर अ टेस्ट ड्राइव. The bike is all set. Now I will go for a test ride. Let's see. करते हैं आपका बिल कितना हुआ? So let's see the billing process और क्या हुआ है अपना billing. This is your bill, sir. तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे तो, और कैमरे वालों के लिए आप बता दीजिए. फर्स्ट चीज़ है आपकी इंजन ऑयल जो okay. 2011 पे ठीक है, जो आपने बताया ना बिल्कुल. सेकंड चीज़ आपका ऑयल फिल्टर सही 490 रुपीज़ सही. सिलेंडर हेड गैसकेट थर्ड थिंग है जो 700 रुपीज़ की सही. एंड देर इज ऑल्सो सील दैट यूज टू बी चेंज इन दिस प्रोसेस ठीक है. हाँ वो सील लेके दे 220 रुपीज़ ठीक है. ओवरऑल कॉस्ट इज 3421 यस. 3420 रुपये हमारा बिल है. ओके दैट्स ग्रेट. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अब मैं पैसे पे कर दूं फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे. सो गाइज यू हैव सीन द वीडियो, कैसा लगा? आपके कमेंट आपके रिएक्शंस चाहिए इस वीडियो के ऊपर. मैंने कोशिश करी सारे एंगल्स आपको समझा दूं सर्विसिंग के बारे में. फर्स्ट सर्विस थी बाइक की और ये जो लॉजिक है ये सारी बाइक्स पे लागू होता है. अब आपका डिपेंड करता है आपके पास 350 है, आपके पास 500 सीसी है, आपके पास इंटरसेप्टर है या हिमालयन है. ये रूल सबके लिए सेम है अब रॉयल एनफील्ड की तरफ से. सो चूज़ योर सर्विस सेंटर. जैसे आप एक डॉक्टर चुनते हैं ऐसे ही आप एक सर्विस सेंटर चुने. मैंने चुना और आई केम टू श्री राधे ऑटोमोबाइल्स फेसू ओखला. और अमेजिंग पीपल, अमेजिंग सर्विसेज, अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी और बहुत बेहतरीन समय पे काम करना. सो बहुत अच्छा लगा. सो नाउ इट्स अप टू यू गाइस कि आप अपनी बाइक की देखरेख कैसे करते हैं. बाइक की देखरेख आप अच्छी करेंगे तो आपको आपकी बाइक परफॉर्मेंस भी अच्छी ही देगी. So guys, don't forget to subscribe to the channel Riders Trail. This is your friend Anuj Vashes signing off now. See you very soon with the next video, the first ride of Lalpari. Take care. Bye-bye.